बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले अगर हम इस टॉपिक की डेफिनेशन को देखें, सबसे पहले ट्रांसपोजिशन का मतलब क्या है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ओके। अगर हम इस चीज़ को डिफाइन करें, लेट्स से हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ओके। उसमें क्या है, कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से हैं कि ए बी सी डी, ओके। और जब हम उसका ट्रांसपोजिशन फाइंड करेंगे, देन ट्रांसपोज ऑफ ए विल बी, ये कैसे होगा, ए के ऊपर टी हो जाएगा, ओके। अब ये इसको कैसे हम लिखते हैं, सपोज करें यहाँ पे जो इसके रोज हैं, ये जो रोज हैं आपको नजर आ रहे हैं, ये कॉलम हो जाते हैं, ठीक है। अब सिंपली क्या होगा, ए और बी रो है, इसको हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। सी और डी एक रो है, इसको हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसपोजिशन। अब ट्रांसपोज का मतलब यही है कि प्रोसेस इन विच वी कन्वर्ट द रोज इन टू कॉलम्स, इट इज नोन एज अ ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स। बेसिकली ट्रांसपोजिशन इसी चीज को कहा जाता है कि कोई भी मैट्रिक्स आपके पास अगर गिवन है, उस मैट्रिक्स का जो जो ऑर्डर है, वो ऑर्डर जो भी हो, मगर उसके जो रोज हैं उनको कॉलम में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। जितनी भी रोज होती है उनको एज अ कॉलम हमने मैंशन करना होता है, उसको हम कहते हैं सिंपली एक ट्रांसपोज। अब यहाँ पे अब आती हैं इसकी प्रॉपर्टीज। अब हम डिफाइन कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स, ओके। नंबर वन प्रॉपर्टी जो इसमें होती है, नंबर वन प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो जो है दो मैट्रिसेस हैं ए, एक और मैट्रिक्स है बी। अगर हम उसको प्लस करें या माइनस करें और होल पावर टी करें, टी का मतलब क्या है, यहाँ पे टी का मतलब है ट्रांसपोज, मतलब ए प्लस बी करके फिर ट्रांसपोज करें, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इनको अलहदा अलहदा इनका ट्रांसपोज फाइंड करें, ए का अलहदा ट्रांसपोज फाइंड करें, फिर प्लस हो या माइनस हो, ठीक है, फिर बी का अलग ट्रांसपोज फाइंड करें अलग, तो फिर भी इसका आंसर सेम आएगा, ठीक है। सपोज करें हमारे पास लेट ए इज इक्वल टू, यहाँ पे एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, एंड बी इज इक्वल टू, उसके बाद बी है 2 3 4 5, ओके। अब इसमें जब हम ए प्लस बी करेंगे, ए प्लस बी करेंगे, देखिए ए प्लस बी करेंगे, सबसे पहले ए के एलिमेंट्स, ए के मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 4, और बी के एलिमेंट्स प्लस करेंगे, ओके 2 3 4 5। जब हम इनको प्लस करेंगे, तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 1 + 2 क्या होता है 3, ओके 3 + 2 5, और उसके बाद 3 + 4 क्या होता है 7, 4 + 5 9, और ये प्रोसेस आपको पता है, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था इसको, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि जो आपको a प्लस बी मिला है, अब आपको जो a प्लस बी मिल गया उसका आंसर क्या है, आपके पास क्या मिला, आपको मिला 3 5 7 9, ओके। अब हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, क्या करना है, ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, मतलब रोज को कन्वर्ट करेंगे कॉलम्स में, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी होल पावर टी, मतलब टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोज, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास 3 7 5 एंड 9, ओके। ये आपका पूरा जो मैट्रिक्स है ये ट्रांसपोज हो गया। अब इसका आंसर क्या आया था, ये याद रखना है आपने, इसका आंसर क्या आया था, इक्वेशन नंबर 1 बना है। अब हम चाह रहे हैं कि ये जो प्रॉपर्टी हमें लिखी है ये दोनों साइड्स बराबर हो, मतलब a पावर t और b पावर t भी, मतलब a का ट्रांसपोज और b का ट्रांसपोज भी फाइंड करना पड़ेगा। अब a का ट्रांसपोज करेंगे, ये हो जाएगा 1 3 2 4, ठीक है, और b का ट्रांसपोज करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास जो एलिमेंट्स थे b के, वो क्या थे 2 3 4 5 थे, ये हो जाएगा 2 4 3 5, ओके।
अब यहाँ पे अब जब हम इनको ऐड करेंगे a पावर t प्लस b पावर t मतलब b का ट्रांसपोज, ठीक है, जब हम इनको सिंपली ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a a ट्रांसपोज के एलिमेंट्स के 1 3 2 4 ओके, ऐड करना है किससे, b ट्रांसपोज से 2 4 3 5, ठीक है, तो ये देखते हैं इसका आंसर क्या आता है, ये आ जाएगा 1 प्लस 2 3, ओके 3 प्लस 4 7, 2 प्लस 3 5, 4 प्लस 5 9, इसको बनाते हैं इक्वेशन नंबर 2। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 से इसको कंपेयर करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 एक जैसे हैं, इसका मतलब ये है कि जो प्रॉपर्टी नंबर 1 हमने ऊपर लिखी है, प्रॉपर्टी नंबर क्या है, 1 क्या है, वो प्रूव हो गई कि हमने एक एग्जांपल लेके उस प्रॉपर्टी को प्रूव कर दिया। इसी तरीके से अगर हम इसको माइनस करते किसी भी दो में इसी दो मैट्रिक्स का फिर भी आंसर सेम आता, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड नंबर प्रॉपर्टी, सेकंड नंबर प्रॉपर्टी क्या है देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 में कह रहा है कि अगर कोई कांस्टेंट है किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई है और उसका ट्रांसपोज फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये केस सेम रहेगा, ट्रांसपोज जस्ट किसका फाइंड करेंगे, ए का फाइंड करेंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि के एक स्केलर है, के क्या है, एक स्केलर है या एक नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे स्केलर है मतलब स्केलर है इसको हम कहते हैं कि एक कांस्टेंट है, ठीक है, इस चीज को क्लियर करने के लिए इसको हम कहते हैं कांस्टेंट है, ठीक है। सपोज करें हमारे पास के इज इक्वल टू 5 है, ठीक है, और हमारे पास एक और मैट्रिक्स है जो कि हम कह रहे हैं कि ए इज इक्वल टू, सपोज करें ए मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, 1 3 5 7, ठीक है, फाइंड करना है हमने के ए, ओके, के इंटू ए, के इंटू ए फाइंड करना है और उसके बाद क्या करना है, इसका होल ट्रांसपोज करना है, ठीक है, होल ट्रांसपोज करना है। तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे के की जगह पर क्या है, 3 है और ए की जगह पर जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज, तो ये सिंपली क्या होगा, 3 बाहर आएगा, ए की जगह पर क्या आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज आ जाएगा, मैट्रिक्स का क्या होगा, ट्रांसपोज आ जाएगा, तो ये क्या होगा, सिंपली के ए होल ट्रांसपोज, ये क्या हो जाएगा, 3, और ए का ट्रांसपोज अगर फाइंड करेंगे, यहाँ पे 1 है 3 है 5 है 7 है, ठीक है, तो 1 3 क्या आ जाएगा, 1 3 यहाँ आ जाएगा एज अ कॉलम रिप्रेजेंट होगा यहाँ पे, और 5 और 7 बाद में आएगा, ठीक है। अब सिंपली क्या करेंगे, स्केलर मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसकी स्केलर मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये हो जाएगा 3 1s are 3, 3 5s are 15, ओके, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, तो ये आपको आंसर मिल गया। इसी तरीके से बाहर कोई स्केलर वैल्यू था या कांस्टेंट था तो कांस्टेंट से अगर होल ट्रांसपोज आपको किसी क्वेश्चन में कह रहा है तो कांस्टेंट को जस्ट बाहर रखेंगे, आपने जस्ट ट्रांसपोज करना है उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को जो आपको गिवन होगी प्रॉब्लम, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है, ओके। उसके बाद हम आ रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 पर, प्रॉपर्टी नंबर 3 में देखते हैं क्या कहते हैं। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 में जो है वो आपको गिवन है कि अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हैं, अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हैं और उनका ट्रांसपोज फाइंड कर रहे हैं, या हम ऐसा कर रहे हैं कि बी का ट्रांसपोज ले रहे हैं और ए का ट्रांसपोज ले रहे हैं, ठीक है। अब ये दोनों साइड्स क्या हैं, आपस में इक्वल हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिवर्सल, रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, मतलब दो मैट्रिक्स हैं उनकी प्रोडक्ट है यहाँ पे आपको गिवन, तो यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है ये आप फुलफिल करनी है कि ये प्रूव हो रही है, ठीक है। अब एक एग्जांपल ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, हम वही मैट्रिक्स ले रहे हैं जो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए कहे थे, फॉर एग्जांपल हमारे पास ए है, ठीक है, ए क्या है, 1 2 3 4, और बी है, बी क्या है, बी है 2
थ्री फोर फाइव, ठीक है। अब इनका क्या करना है, इनका सबसे पहले प्रोडक्ट फाइंड करना है। अगर हम इनका सबसे पहले ट्रांसपोज फाइंड करें, ट्रांसपोज अगर फाइंड करेंगे, ए ट्रांसपोज क्या होगा, ये होगा वन टू थ्री फोर, ठीक है। और बी ट्रांसपोज क्या होगा, ये होगा आपके पास टू थ्री फोर फाइव, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करनी है। नाउ नाउ ए बी होल ट्रांसपोज, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ए बी फाइंड करेंगे, ठीक है। अब अगर हम ए डॉट बी फाइंड करें, ए डॉट बी फाइंड करें, तो ये हो जाएगा नाउ ए बी, ए मल्टीप्लाई बाय बी करें, ए के एलिमेंट्स क्या है, वन टू थ्री फोर, और बी के एलिमेंट्स हैं टू थ्री फोर फाइव, ठीक है। अब ये दोनों एलिमेंट्स हमने यहाँ पे मेंशन कर लिए, अब दोनों का प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं। प्रोडक्ट कैसे फाइंड किया जाता है, अब इस पूरी रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, टू वन आर टू, ठीक है, टू वन आर टू, उसके बाद प्लस की साइन, टू फोर आर एट, ठीक है। इसी तरीके से इसी रो का इस कॉलम से अब, ठीक है, थ्री वन आर थ्री प्लस टू फाइव आर टेन, ठीक है। उसके बाद अब इस रो की बारी, इस थ्री टू आर सिक्स प्लस फोर फोर आर सिक्सटीन, उसके बाद इसी तरीके से थ्री थ्री आर नाइन प्लस फोर फाइव आर ट्वेंटी, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई अगर हम इसको करें तो ये हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा टू प्लस एट टेन, सिक्स प्लस सिक्सटीन ट्वेंटी टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा थर्टीन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्वेंटी नाइन, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, ए बी ट्रांसपोज क्या होगा, अब यहाँ पे टेन है, यहाँ पे थर्टीन है, तो टेन तो थर्टीन ये हो जाएगा, और ट्वेंटी टू यहाँ आएगा, ट्वेंटी नाइन यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये आपको एक साइड मिल गई, इक्वेशन नंबर वन करें इसको, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने बेसिकली प्रॉपर्टी ये है, ऊपर अगर हम देखें, ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, मतलब बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, ठीक है। अब आपने यहाँ पे ये देखिए, अगर यहाँ पे बी ट्रांसपोज आपने फाइंड किया था और ए ट्रांसपोज आपने फाइंड किया था, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, पहले बी ट्रांसपोज रखेंगे, ठीक है। पहले क्या रखेंगे कि हम रखेंगे बी ट्रांसपोज, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे ए ट्रांसपोज से। ये चीज ध्यान में रखनी है, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज नहीं करना है, क्योंकि जो प्रोडक्ट होती है वो कभी भी इक्वल नहीं होती है, क्यूमुलेटिव नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ पे बी ट्रांसपोज, अब अगर बी ट्रांसपोज देखें, बी ट्रांसपोज के वैल्यूज थे टू थ्री फोर फाइव, मल्टीप्लाई करना है ए ट्रांसपोज से, ए ट्रांसपोज के वैल्यू थे वन टू थ्री फोर, ठीक है। अब करते हैं इसका मल्टीप्लाई, अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, टू है यहाँ पे ये पूरी रो इस कॉलम से, ठीक है, इसी तरीके से टू वन आर टू प्लस फोर टू आर एट, ठीक है। उसके बाद अब इस कॉलम से टू थ्री आर सिक्स प्लस फोर फोर आर सिक्सटीन, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से अब इस रो की बारी, अब यहाँ थ्री वन आर थ्री प्लस फाइव टू आर टेन, इसी तरीके से इसी रो का इस सेकंड कॉलम से अब क्या करेंगे, थ्री थ्री आर नाइन, ठीक है, यहाँ पे नाइन रखेंगे और प्लस करेंगे फोर फाइव आर ट्वेंटी। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये सिंप्लीफाई होके हो जाएगा टेन, और यहाँ पे हो जाएगा आपका थर्टीन, ओके, और यहाँ पे हो जाएगा ट्वेंटी टू, और यहाँ पे हो जाएगा ट्वेंटी नाइन। इसको बनाते हैं इक्वेशन नंबर टू। अगर आप दोनों इक्वेशंस को देखें, यहाँ पे इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर टू को देखें, तो दोनों इक्वेशंस क्या हैं, बराबर हैं, इसका मतलब ये है कि हैंस वेरीफाइड, ठीक है। हमने इस जो है प्रॉपर्टी को भी प्रूफ कर लिया कि ये प्रॉपर्टी इस तरीके से होती है। उसके बाद आखिरी प्रॉपर्टी होती है नंबर फोर प्रॉपर्टी, नंबर फोर प्रॉपर्टी पर आ रहे हैं। नंबर फोर प्रॉपर्टी वो क्या है देखते हैं। अब ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज मतलब इज इक्वल टू किसके होगा, ए के होगा, इसका मतलब ये है कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और जो आंसर आया उसका अगेन आपने ट्रांसपोज लिया तो वो ए के इक्वल होगा, उस ओरिजिनल इक्वेशन के इक्वल होगा, सॉरी ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको इसी तरीके से
यहाँ पे फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू ए बी सी डी है, ठीक है। अब अगर हम इसको ट्रांसपोज लें, सबसे पहले अगर हम इसका ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लें तो ये क्या होगा, ए बी, ठीक है। ए बी यहाँ पे रो है, यहाँ पे कॉलम हो जाएगा, इसी तरीके सी डी रो है तो ये एक कॉलम बन जाएगा अगेन, ठीक है। ये क्या करेंगे, ट्रांसपोज ट्रांसपोजिशन बाय ट्रांसपोजिशन लिखेंगे यहाँ पे बाय ट्रांसपोजिशन, तो ये आपको मिला। अगेन करेंगे, ठीक है, अगेन करेंगे तो ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। अब इसी इक्वेशन नंबर वन का अगेन करेंगे तो ये हो जाएगा, आपके पास मिलेगा जो वैल्यूज मिलेंगी ये होंगी ए सी बी और डी। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये इक्वेशन नंबर टू है, इक्वेशन नंबर टू और ओरिजिनल इक्वेशन इक्वेशन नंबर ए, ये दोनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये चीज हमने वेरीफाई कर ली कि किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लें और अगेन हम उसका ट्रांसपोज लें तो वो ओरिजिनल इक्वेशन आपको मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना सबक काफी है, नेक्स्ट लेक्चर में हम नई टॉपिक को डिस्कस करेंगे और नई एक्सरसाइज को देखेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।